हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक डिजिटल इमेज माय यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आज हम प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर पोर्ट्रेट डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जो आपको पहले भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पोर्ट्रेट बनाना बताया था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, काफ़ी मित्रों ने उसको लाइक भी किया। ये मैंने यहाँ पे एक 12x36 का नया बैकग्राउंड ले लिया है, एक कपल फोटो की मैं कर लेता हूँ अच्छे से कटिंग। तो दोस्तों लगभग मैंने इस पोर्ट्रेट की कटिंग कर ली है, आपको भी अच्छे तरीके से कटिंग हमारे कपल का या सिंगल फोटो का, जो भी हमारे क्लोजअप का कटिंग जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है। कटिंग की जो फिनिशिंग है कट करने की, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि एल्बम के अंदर जो पोर्ट्रेट डिज़ाइन होते हैं वो बहुत ही मेन रोल होता है उनका। और जब एल्बम वीडियो की ओपनिंग हो चाहे एल्बम की ओपनिंग हो, उसकी स्टार्टिंग बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि अगर स्टार्टिंग ही उसकी हमारी बिल्कुल ही जीरो होगी तो वो एल्बम से इसके अंदर चाहे कितनी ही अच्छी फोटोग्राफी क्यों ना हो, वो किसी काम की नहीं है। अब मैं इसको कॉपी करके और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने एक नेचुरल बैकग्राउंड लिया है और मैं इस नेचुरल बैकग्राउंड को इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है और दोनों को मैंने अब मर्ज कर दिया है। ये टूल यहाँ से अभी मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है और इसको एक बार थोड़ा हल्का डार्क कर दिया है, ताकि मेरे को उसका बैकग्राउंड कलर दिखाई दे जाए। तो दोस्तों मैंने इसकी एक डबल लेयर और बनाई है, डबल लेयर मैंने इसकी ये बना दी और इसका कलर मैंने और थोड़ा सा डार्क कर दिया और इसको मैंने बैकग्राउंड के नीचे रख दिया इसको। तो यहाँ पे मैंने एक कपल फोटो और लिया है, जो मैंने कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर डाल दिया और इसको कर देता हूँ मैं अब बड़ा। और कर देता हूँ उसको मैं ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। अच्छा अब दूसरा अपना जो कपल है वो होगा ये, और ये जो बैकग्राउंड कलर है पीछे का, ये बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ से पिक किया है इसको, और बैकग्राउंड कलर को भी मैंने इसी के अंदर कर दिया है और इसको मैंने कर दिया है इरेज यहाँ से। इसके अंदर मैं
रिप्लेस कलर में जाके मैंने इसका जो फेस कलर है वो निकाल दिया है, और अब मैं इस फोटो के अंदर थोड़ी हल्की सी येलो और रेड की टोन इसमें डाल देता हूँ। ओके, अब हमने पहले भी इस काफ़ी फोटो के अंदर हमने जो वर्डिंग वर्ड यूज़ किए थे वो भी आप अपनी तरफ से इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्डिंग डाल दी है, आप अपने हिसाब से भी बहुत अच्छे तरीके से आप वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्डिंग कट करके रखी हुई है, तो जैसे कि ये वर्डिंग है, मैं एक बार इसको भी ले लेता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा डीएम बिल्कुल, मैंने आपके सामने बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड पे ये डीएम बनाना मैंने स्टार्ट किया था, और हमने बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको लगभग शॉर्ट में ये बनाना सिखाया है। आप इससे और भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है इसको बनाने का। बाकी आप इसकी अपनी पसंद की जो फॉन्ट है या वर्डिंग है या फिर पोर्ट्रेट है या उसके ऊपर टोन है वो अपने हिसाब से, बैकग्राउंड कलर भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी मैं बहुत से अच्छे अच्छे आपको पीएस के अंदर डिज़ाइन बनाने और बताने वाला हूँ। पीएस के बारे में आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपने बिल्कुल बिल्कुल भी आपको कभी आपने सोची भी नहीं होगी। तो दोस्तों ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। आगे नए डिज़ाइन और फोटोशॉप की नई जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।